संजू। हाँ। कल का मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कैसा इंतजाम? संजू तुम भूल गए, कल भूपेश का बर्थडे। शाम को 5 बजे से मैंने एक होटल बुक कर लिया है, वहीं खाना वाना खाएंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन कल शाम तो मैडम के साथ मुझे मर गए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर सार्जन, क्या कर रहे हैं आप? बस यूं ही जरा बॉडी चेक कर रहा था। मिली? मतलब ढूंढने पड़ी होगी आपको, कहीं किसी कोने में छिप गई होगी। ऐसी बात नहीं है मैडम, वो तो काम के चक्कर में मैं अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ अब। काम ने मार दिया मुझे आदत, तो वरना एक जमाना था मेरी बहुत जबरदस्त बॉडी होती थी मैडम। मेरे दोस्त मुझे सलमान कहते थे। मिस्टर साजन, मैं आपकी बॉस हूँ, आपको मेरे साथ सिर्फ काम की बातें शेयर करनी चाहिए, बॉडी की नहीं। सॉरी मैडम, सॉरी। आगे से ध्यान रखिएगा। आगे से मैं कभी आपसे काम के अलावा कोई और बात नहीं करूंगा मैडम। ओहो मिस्टर साजन, ऐसे तो आप बड़े बोरिंग हो जाएंगे। अगर आपका दिल किया मेरे साथ कुछ शेयर करने का तो क्या करेंगे आप? तो मैं अपने दिल को बहला लूंगा, समझा दूंगा कि आप मेरी सिर्फ बॉस हैं। बॉस? That's it? How rude. I'm sorry मैडम, अगर आपने बुरा मान लिया हो मेरी बात का तो। तो करेंगे ना आप मेरे साथ दिल की बातें शेयर? ढेर सारी बातें करूंगा, दिन भर आपसे ही बातें करूंगा। तो आप दिन भर सिर्फ अगर दिल की बातें करेंगे तो ऑफिस का काम कौन करेगा? मैडम आप जैसा कहेंगी मैं बस वैसा वैसा कर दूंगा। कैसे मर्द है आप मिस्टर साजन, औरतों के इशारों पे नाचते हैं। मर्द वो है जो औरतों की सुने और करे अपने मन की। जी? Anyway, मैंने आपको फोन किया ये याद दिलाने के लिए कि आज शाम 6 बजे। याद है मैडम मुझे। आई एम रेडी। ओके, आई विल बी वेटिंग। बाय मिस्टर साजन। बाय। किससे बाय कर रहे? मैडम से। इतने प्यार से? तो क्या गाली बक दूं उनको? यार कश्मीरा तुम भी ना हद करती हो, बॉस है यार वो मेरी, थोड़ी बना के रखनी पड़ती है उनसे। इतनी भी मत बनाओ कि घर बिगड़ जाए। ये लो बादाम का दूध लेके आई हूँ, इसमें घी भी है, पी लो। यार सांड बना के छोड़ोगी क्या मुझे? घी बादाम का दूध ले आई हो? यार तुम्हें कल ही मैंने बोला था ना मैं डाइटिंग पे हूँ यार। वो कुछ नहीं जानती हूँ मैं, चुपचाप पी लो और बाहर गार्डन में आ जाना, भोपू का बर्थडे है ना आज। पियो। मैं नहीं पी रहा, ये आज मेरे बदन की नुमाइश है। आज बेटा चर गिर गया था। मैं कमेंट मैडम? यस। आई एम रेडी मैडम। नाइस। और मैंने वेट लॉस भी किया है और आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले कहां से शुरू करेंगे? ऊपर। काम डाउन मिस्टर साजन, आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? करेंगे, सब कुछ करेंगे, जस्ट वहां पे जाके खड़े रहिए प्लीज। मिस्टर साजन एक मिनट, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना? हम क्या कर रहे हैं मैडम? मैं आपकी जो पेंटिंग बनाने वाली हूँ वो सही है ना? ऑफ कोर्स मैडम, इसमें गलत क्या है? ये आर्ट है, आर्ट इज प्योर।
of course it's art, but I don't know why, Mr. Sajjan. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी topless painting. I think I'm going to change my mind. मैं आपके साथ कुछ और करना चाहती हूँ. क्या करना चाहती हैं मैडम? आप जानना चाहते हैं? मन तो मेरा भी पहले था, फिर लेकिन मैंने सोचा ये सही नहीं होगा ना. राइट, ये सही नहीं होगा. करेक्ट, मैं आपकी टॉपलेस पेंटिंग नहीं बनाऊंगी. आप अभी भी पेंटिंग की बात कर रही थी? अच्छा ठीक है, हाँ आप सही कह रही हैं मैडम, मत बनाइए मेरी टॉपलेस पेंटिंग. पेंटिंग तो मैं बनाऊंगी आपके मिस्टर साजन, सिर्फ टॉपलेस नहीं. मैडम बिना ऐसी फरमाइशें कर देती हैं कि मना भी नहीं किया जाता. जल्दी आ जाना मैडम, इससे पहले कि कोई और आ जाए. मैं रेडी हो जाता हूँ सिर्फ आपके लिए. हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मैं यूज़मी एडवर्टाइजिंग एजेंसी पहुँच गया हूँ. हाँ हाँ, बस इंटरव्यू ख़त्म होते ही आपको खुशखबरी सुनाऊँगा. जी जी मम्मी, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए. थैंक यू मम्मी. मम्मी मैं वापस आ रहा हूं, मैं नहीं काम करूंगा यहां पे. दे विल यूज मी. कहां गई मैडम?